नमस्कार, एनएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक सरकार ने स्कूलों कॉलेजों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य किया। गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर चक्रवात विपर्जोय के मद्देनजर दर्शन के लिए बंद। विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट पर 5 भारतीय स्कूल। इंडोनेशिया ओपन, श्रीकांत प्रणय चिराग 7वीं क्वार्टर फाइनल में। तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कंपाउंड वर्ग में 2 कांस्य पदक जीते। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने वीरवार को फैसला किया कि सरकारी सहायता प्राप्त या निजी सभी स्कूलों और कॉलेजों में रोजाना संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य होगा। गुजरात के प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर को चक्रवात विपर्जोय के मद्देनजर दर्शन के लिए बंद कर दिया गया है। चक्रवात के राज्य के कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह के पास वीरवार देर रात दस्तक देने की संभावना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के 5 प्रेरणादायक भारतीय स्कूलों को गुरुवार को दूसरे वार्षिक 2,50,000 अमेरिकी डॉलर के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार के लिए विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष 10 में शामिल किया गया। किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणय ने गुरुवार को इंडोनेशिया ओपन वर्ल्ड टूर सुपर 1000 स्पर्धा में पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में सीधे गेम में जीत दर्ज की। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में पुरुष और महिला कंपाउंड टीम स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीतकर अपना खाता खोला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहें एनएमसी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।